अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, क्योंकि बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मैं इस चैनल पर अपलोड करते आ रहा हूँ। तो आपको देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फ्री है दोस्तों। फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप वीवो V9 में डिफॉल्ट लॉन्चर चेंज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी इन्होंने किया है कि कोई भी एप्लीकेशन को आप कैसे डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप गैलरी, डिफ़ॉल्ट गैलरी जो इनका वीवो का है वो उससे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई भी और एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। यही नहीं, अगर आप डॉक्यूमेंट्स WPS ऑफिस से ओपन कर रहे हैं जो कि डिफ़ॉल्ट वीवो का है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। वैसे ही आप लॉन्चर को भी चेंज कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप इस चीज़ को, लॉन्चर को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली सेटिंग्स पर जाना है, तो सेटिंग्स पर जाइए। सेटिंग्स पर जाते ही जस्ट आप स्वाइप अप कीजिए, यहाँ पर मोर सेटिंग्स है, एक बार टैप करना है आपको। यहाँ पर एप्लीकेशंस करके है ना, तो जस्ट एक बार टैप कीजिए। तो यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग्स, तो जस्ट एक बार टैप करेंगे यहाँ पर, तो इनपुट मेथड कौन सा डिफ़ॉल्ट है, होम स्क्रीन का डिफ़ॉल्ट कौन सा सेट किया हुआ है, ब्राउज़र का कौन सा है, वीडियो का कौन सा है। तो यहाँ पर होम स्क्रीन है, तो टैप करेंगे। जो भी आपने इंस्टॉल किया हो लॉन्चर्स यहाँ पर आपको दिखना चाहिए। तो जस्ट अभी फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर को चेंज करता हूँ, तो इंस्टेंटली माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर डिफ़ॉल्ट लॉन्चर अभी बन चुका है। तो ऐसे आप इजीली चेंज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर हो या फिर कोई भी अपना लॉन्चर को डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। तो देखिए क्रिएट न्यू होम स्क्रीन, तो कोई भी एप्लीकेशन से ऐड कर सकते हैं या फिर जस्ट टैप ऑन स्किप, लेट्स गो। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर एज ए डिफ़ॉल्ट लॉन्चर। तो अभी मैं होम स्क्रीन पर टैप करता हूँ तो भी वो बिल्कुल चेंज नहीं होता। तो ऐसे आप कोई भी एप्लीकेशन को डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। तो जस्ट आपको क्या करना है कि कंट्रोल सेंटर से सेटिंग्स पर जाना है। तो सेटिंग्स पर जाते ही यहाँ पर मोर सेटिंग्स है, मोर सेटिंग्स पर जाएंगे तो एप्लीकेशंस में यहाँ डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग्स है। तो यहाँ से आप होम स्क्रीन पर टैप करेंगे तो कोई भी लॉन्चर को आप डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं यहाँ से। तो इतना इजी है। फॉर एग्जांपल अगर आप एल्बम को चेंज करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट, तो गूगल फोटोज़ को बना सकते हैं डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन। तो ऐसे कोई भी रिलेटेड हो आप एप्लीकेशन को यहाँ से डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। तो एक जस्ट क्विक वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा था कि कैसे लॉन्चर को इंस्टेंटली चेंज कर सके डिफ़ॉल्ट लॉन्चर को। तो ऐसे आप कर सकते हैं। होपफुली ये आपको पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर है तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करके ज़रूर बने रहिए। बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ बनाया हूँ मैं इस V9 ओप्पो F7 जो कोई भी मोबाइल्स हो, तो आप बने रहिए सब्सक्राइब करके। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर अपना, बाय बाय।